दोस्तों, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी या बेल के आइकन को दबा लीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुनो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल के सबसे लेटेस्ट ऐप गूगल निबल्ली के बारे में। तो वो किसके फीचर्स क्या हैं, वो किस काम आता है, आपका क्या फायदा हो सकता है, वो सारी चीजें से वो सब के बारे में बात करेंगे। तो चलो सुन, मैं बाबा, आप देख रहे टक बाबा, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, गूगल का जैसे कि मैंने कहा सबसे लेटेस्ट ऐप है गूगल नेबरली, इंडिया में जो लॉन्च हुआ है। तो हम रिसेंटली देख रहे हैं दोस्तों, गूगल इंडिया में बहुत सारे ऐप्स लॉन्च कर रहा है। वैसे ही गूगल तेज पेमेंट्स जो ऐप था, साथ में गूगल एडियो। अगर आप गूगल एडियो के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, टेक न्यूज वीडियो, वहाँ पे आप चेक देख सकते हैं कि गूगल एडियो है क्या। उससे पहले आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा गूगल नेबरली भी इन्हीं जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में हो रहे हैं उसमें सबसे लेटेस्ट ऐप है, प्रोजेक्ट जो भी आप बोलना चाहें। तो इसका यूज है कि ये एक सिटी है मान लीजिए, उसको आप डिवाइड, उसको गूगल डिवाइड करेगा कुछ एरिया में जिसे वो नेबरहुड कहेगा। जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं नेबरली मतलब नेबरहुड मतलब आस पड़ोस। तो उसी डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट में मतलब गूगल लोकेशन ट्रैक करेगा उस यूजर का शुरू में, और उसको डिटेक्ट कर लेगा कि वो किस लोकेशन में है और उस लोकेशन में उस यूजर को डाल देगा। तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ज्यादा फायदा होगा। 100, तो फिलहाल मैंने कहा 100+ डाउनलोड्स हैं, तो अभी ज्यादा डाउनलोड्स तो हुए नहीं है, लेकिन गूगल की ऐप है, अपने आप डाउनलोड्स हो जाएंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि ये सिर्फ जो ये ऐप है ये सिर्फ मुंबई में अभी अवेलेबल है और दूसरी जगह अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसे डाउनलोड तो कर सकते हैं क्योंकि ये अर्ली एक्सेस में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप करेंगे, तो उसके बाद आपको लोकेशन जो परमिशन पूछेगा आप अलाउ करेंगे। उसके बाद वो आपको बता देगा कि आप जो एरिया है नेबरहुड है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अपना फोन नंबर देकर नोटिफिकेशन ले सकते हैं कि जब भी अवेलेबल हो जाए। तो यही आपको बोलेगा फिलहाल तो, क्योंकि अब मुंबई के अलावा ये किसी अवेलेबल नहीं है, सबसे फर्स्ट मुंबई में ही आया है और अभी अभी आया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इसको आए हुए। तो आप अगर मुंबई के यूज़र नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा था कि ये किस तरह काम करेगा। तो इसका काम ये है कि आप इससे अपने नेबर की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर दूसरा जो आपका नेबर है, कोई भी आपके नेबरहुड में कोई भी पर्सन है उसको पता है, तो अगर वो देगा जवाब तो आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल एक फॉरम की तरह आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि आपको जानना है, आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। आपके नेबरहुड में एक स्टेशनरी है, उस स्टेशनरी की शॉप है, उसमें आपको लेना है, उसमें आपको नहीं लेना मतलब आपको लेना है एक पेन, और वो मतलब मान लीजिए 100 रुपीज़ का एक पेन है वो आपको लेना है, लेकिन आपका फेवरेट पेन है मान लीजिए, और आपको जानना है कि उस शॉप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो दूसरे शॉप से लिया था, और इस शॉप में मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता नहीं। आप सिंपली अपना ऐप खोलिए, उसमें क्वेश्चन डाल दीजिए कि ये पेन इस शॉप में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई यूजर को पता होगा वो पेन उस शॉप में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो वो आपको बता देगा। अगर वो आपको बताना चाहे, वो बताना क्यों चाहेगा वो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बताएगा जब वो आपको, तो आपको पता चल जाएगा सिंपल। तो इससे एक नेबर दूसरे नेबर की मदद कर सकता है, और एक नेबर में जितने भी नेबर्स हैं जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि गूगल को ये पता नहीं होगा कि उस स्टेशनरी शॉप में वो पेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि तो वो एकदम मतलब स्मॉल स्केल में आ जाता है। गूगल जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लार्ज स्केल की ही होगा, तो स्मॉल स्केल के इन्फॉर्मेशन को रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्मॉल स्केल आ जाएगा स्टेशनरी शॉप, तो गूगल हर स्टेशनरी शॉप से पूछता नहीं रहेगा कि आपके यहाँ ये पेन मिलता है, ये रबर मिलता है, ये रजन मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। इसलिए उसने इस ऐप को डेवलप किया जिससे एक नेबर दूसरे नेबर की मदद कर सकता है। एक ही नेबरहुड में कोई भी दो पर्सन, कोई भी कितने भी पर्सन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इससे मतलब जो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लम मतलब हो जाती है कि ये पेन मिलेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, नहीं मिला तो फिर वापस ऐसे करके, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो जैसे ही मैंने कहा ये ऐप भी अवेलेबल नहीं है सब जगह के लिए ऑनली, लेकिन इस ऐप का साइज जो है वो 5 MB है, और ये ऐप जब हो जाएगा तो ये आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। 5 MB
तो कोई मतलब बड़ा साइज नहीं है, तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। दोस्तों लोग इसको क्यों आपको जवाब देंगे, क्यों इसका यूज करेंगे? सबसे पहली बात, वो जवाब देंगे तुम्हें जवाब मिलेगा। मतलब अगर आप क्वेश्चन डालते हैं, कोई आपका रिप्लाई नहीं करता है, आप क्या करेंगे? एक और बार ट्राई करेंगे, फिर क्वेश्चन डालेंगे, फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा, फिर क्वेश्चन डालेंगे, फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछने के बाद भी आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे, तो फिर जैसे यूजर्स की कमी हो जाएगी। फिर मान लीजिए जिन्होंने आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वो अगर क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें आंसर नहीं मिलेगा, वैसे ही कमी होती जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप आंसर जानना है इस फैसिलिटी का यूज करना है, तो आपको दूसरे को आंसर देना होगा। मतलब गो गिवर वाली पर्सनैलिटी रखनी होगी कि दूसरे को पहले मतलब गिफ्ट करने को दें उसको, तो आपको देगा। इस स्टेप से इसमें मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। और साथ में दूसरी बात है कि बैज, जैसे कि अगर आपने गूगल मैप यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कुछ भी क्वेश्चन है उसमें लोकल गाइड ऐसे कुछ बैज होते हैं, तो उस तरह से बैज वो इस ऐप में भी देगा गूगल। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, नीचे लाइक बटन है, वीडियो पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, नीचे डिसलाइक बटन भी है। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जो मुंबई में रहते हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, और अपना चाहते हैं कि उसका फायदा उठाएं। और ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा और बेल आइकन दबा दें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वेब ऑफ।